नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल अग्रवाल। आज मैं आपसे जीवन की सच्चाई का अपना एक अनुभव शेयर करने वाला हूँ। स्पेशली जो चीज़ मैं कहने वाला हूँ वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद है राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी की महिलाओं के लिए। अक्सर आपने ये देखा होगा कि इन स्टेट्स की महिलाओं में बुजुर्ग टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं, मतलब बहुत परेशान रहती हैं। इन स्टेट्स में महिलाएं बुजुर्गों से बहुत दुखी हैं, अननेसेसरी बुजुर्ग इनको टॉर्चर करते हैं। अब ये बेचारी पिसके रह जाती है, कुछ कर नहीं पाती। घर में बड़े बुजुर्गों का आधिपत्य हो जाता है और साथ में अड़ोस पड़ोसी रिश्तेदार उन बुजुर्गों के साथ मिल जाते हैं। अब वो टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं उन महिलाओं। अब वो बेचारी, या तो बहुत सी महिलाएं हैं जो झेल नहीं पाती, वो सुसाइड कर लेती हैं या घुट घुट के जी रही होती हैं। आपका ये छोटा भाई आज आपको जो चीज़ बताने वाला है, आप ये मान के चलिए आज आपकी लॉटरी लगने वाली है। ये जो चीज़ मैं बताऊंगा आपको, ये दुनिया में आपके साथ कोई शेयर नहीं करेगा। और इसको प्रैक्टिकली आजमाने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि ये जो फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ कितना असरकारक है। चलो आते हैं मुद्दे पे। बेसिकली कभी आपने सोचा है हमारी कमजोरी क्या है और इन बुजुर्गों की ताकत क्या है? हमारी कमजोरी क्या है? पेशेंस। हमारी कमजोरी क्या है? सीधापन। हमारी कमजोरी क्या है? अननेसेसरी किसी को परेशान नहीं करना। हमारी कमजोरी है ये चीज़ें। बुजुर्गों की ताकत क्या है? सहानुभूति, सबसे बड़ी ताकत है। बुजुर्गों की ताकत क्या है? लाइजनिंग, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कर ली, वो लोगों को इकट्ठा करके बेबस लाचार बन के इतना टॉर्चर करते हैं और अपने आप को मासूम दिखाना शुरू कर देते हैं। पता है इन सब चीज़ों में कॉमन फैक्टर क्या है? इन सब चीज़ों में एक कॉमन फैक्टर है इन्फॉर्मेशन। ध्यान से सुनना, आपके इस भाई ने जितना आपको अनुभव दिया है वो कभी फेल नहीं हुआ, और आज जो दे रहा हूँ इतना कारगर होगा कि मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूँ कि 6 महीने के अंदर आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं आए तो अपने इस भाई को बता देना। बस इसको ध्यान से सुनना वीडियो को। आपकी कमजोरी मैंने बताई, बुजुर्गों की ताकत बताई, उन सबका एक कॉमन फैक्टर है इन्फॉर्मेशन। बहुत बड़ी चीज़ है ये, ध्यान से सुनना इस चीज़ को आप। क्या है इन्फॉर्मेशन? इन्फॉर्मेशन है आप जो काम करने वाले हो, आप जो काम भविष्य में करने वाले हो, पास्ट में कर चुके हो और वर्तमान में कर रहे हो, इसकी जितनी कम इन्फॉर्मेशन दूसरे के पास होगी आप उतना ही ताकतवर होंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन का मतलब है विद्या, जिसको अपन बुजुर्ग कहते थे कि उसको कितनी नॉलेज है। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि जो आपके चुगली करते हैं, ये सीसीटीवी बन के घूमते हैं, ऑल ओवर इंडिया हैं, ये जो कुछ महिलाएं हैं, कुछ जेंट्स हैं, ये इस तरह के उल्टे सीधे काम करते हैं, बुजुर्ग वगैरह, ये इनकी ताकत है इन्फॉर्मेशन। आपको करना क्या है? बस इस इन्फॉर्मेशन को उन तक पहुंचने से रोकना है। कोई गलत काम नहीं कर रहे हम, किसी के साथ मारापुटी नहीं कर रहे, किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर रहे, लेकिन अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं। कैसे करेंगे? आप जो ये फेसबुक व्हाट्सएप पे स्टेटस डालते हो, फेसबुक पे स्टेटस डालते हो, फेसबुक पे पोस्ट डालते हो, दुनिया को दिखाते हो, ये आपकी कमजोरी है। इन्फॉर्मेशन लीक कर दिया आपने इन्फॉर्मेशन। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जितना कम से कम अपना स्टेटस डालोगे, जितना कम से कम अपनी प्लानिंग के बारे में, फ्यूचर प्लानिंग के बारे में सामने वाले को आप बताओगे ना, उतनी ही आपकी जीत है। मैं ये केवल इन महिलाओं को ही नहीं कह रहा हूँ, दुनिया के, वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी धंधे में, किसी भी नौकरी में आप चले जाइए और इस फार्मूले को आजमा लेना। ये फार्मूला कभी फेल नहीं होगा भाई। ये केवल मैंने महिलाओं के लिए नहीं बताया, ये आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी कैटेगरी का आदमी है
उसका माइनस पॉइंट इन्फॉर्मेशन है, उसका प्लस पॉइंट भी इन्फॉर्मेशन है। महिलाओं के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, क्योंकि जब उनको टॉर्चर किया जाता है तो मुझे भी बहुत दुख होता है, अजीब लगता है कि ये बुजुर्ग चाहते क्या आखिर देश में। खैर, आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन लीक होने से रोकना है। होता क्या है, आप सीधे मन से अपना सब कुछ सामने वाले को बता देते हो, वो इन्फॉर्मेशन आपने लीक कर दी, अब या तो वो आपके बुजुर्ग हैं या अड़ोस पड़ोसी, जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं ना आपके, ये महिलाओं के रूप में सारा दिन गेट के छत के ऊपर खड़े रह के ताकते रहते हैं, दूसरों के घरों में घुसते रहते हैं, देखते रहते हैं क्या हो रहा है, वो आपकी इन्फॉर्मेशन को लीक कर देते हैं और आपकी फ्यूचर प्लानिंग को फेल करने में पूरी कोशिश करते हैं। सिर्फ यही एक कारण है। जितना इन्फॉर्मेशन आप कम से कम लीक होने दोगे ना, उतना आप जीत में रहोगे। अपनी इन्फॉर्मेशन को बचा के रखो, सेव। आपको ये सोचना है कि मुझे कितनी इन्फॉर्मेशन सामने वाले को देनी है, जितनी जरूरत है उतनी ही देवें, जरूरत से ज़्यादा नहीं देवें। कोई भी आके आपसे आपके बीवी बच्चों, आपके पति, आपके व्यवसाय के बारे में जानकारी पूछे, नहीं देनी है भाई। आपने पैसा कैसा कमाया उसकी जानकारी नहीं देनी है। जिस दिन आपने ये चीज़ लीक कर दी ना भाई, उस दिन आपके उल्टे दिन शुरू होना शुरू हो जाएंगे। सामने वाले को, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, मैं जितनी मदद लोगों की होगी ना, शायद मैंने किसी इंसान को देखा हो इतने साफ मन से किसी की मदद की है किसी ने। एहसान की कीमत नहीं है, हमने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, लेकिन जब सामने वाला आके कहता है तूने किया क्या है, तुझे आता क्या है, तो बेवकूफ़ है, समझदार तो मैं हूँ, देख मैंने तूने जो बताया था गुपचुप तरीके से लेके उससे फ़ायदा उठा लिया और आज मैं 10 गुना स्ट्रांग हो गया। तो उस चीज़ को आपको रोकना है, इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करनी है। अपनी इन्फॉर्मेशन बचा के रखो, अपने भी बच्चों को संभाल के रखो, और कोई जरिया नहीं है भाई इन गलत लोगों से, इन बूढ़े लोगों से जीतने का। ये तो उंगली करेंगे, क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या है बुजुर्गों में, सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हैं, गवर्नमेंट पेंशन देती है, अब वो उंगली करे बिना नहीं मानेंगे भाई, उनकी तो आदत पड़ गई, उन्होंने तो उनकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है, आप कुछ नहीं कर सकते उनको, सारा दिन उल्टे सीधे धंधे करेंगे और एक ही काम है बेटे बहू को खराब करना। तो मैं आपसे इतना कह रहा हूँ कि जितनी महिलाएं इन बुजुर्गों से दुखी हैं, अपने इस भाई की बात मान लें और सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन को लीक होने से रोकें। और दूसरी चीज़, आपके बुजुर्ग आपको अपने पति बच्चों के लिए कुछ भी कहते हैं, उसको क्रॉस चेक जरूर करें। 100% कह रहा हूँ कि वो जब आपकी बुराई कर रहा है कोई किसी की, तो वो क्रॉस चेक अगर नहीं करोगे ना, तो उसमें झोल है, उसका झोल। मैंने पहले भी अपने जीवन की सच्चाई के आर्टिकल में कहा था, गैप पैदा करना, ये गैप पैदा करके इंसान को बर्बाद करते हैं। गैप पैदा करने का सेंस हो गया, मैंने किसी को किसी के लिए गलत कहा, यार बताना मत, प्लीज़ मेरा नाम मत लेना, सामने वाले ने बताया नहीं और मन में बैर पाल लिया कि इस साले को देखूंगा आने दो कभी, ये गैप पैदा करना होता है। और ये हमारे समाज में, हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में ये इस तरह की, ये जो धोखाधड़ी चालबाजी वाले करने वाले लोग हैं ना, इन्होंने इसको बिजनेस बना लिया भाई, इस वजह से ये लोग कामयाब हो जाते हैं। आपका भाई कह रहा है, इन्फॉर्मेशन शब्द मैंने बोला है बहुत अच्छे से समझ के, अपनी इन्फॉर्मेशन को कम से कम लीक करना। आप कहीं घूमने जा रहे हो, कहाँ डिंडोरे पीटने की जरूरत आ रही है कि मैं 1 महीने बाद फलानी जगह जा रहा हूँ, चुपचाप जाओ, 2 दिन 3 दिन 5 दिन पहले अपनी प्लानिंग लीक करो, जितना कम से कम हो सके, और वो भी उन्हीं लोगों को लीक करो जो जरूरी हो। कहाँ जरूरत आ रही है कि हमें समाज में रिश्तेदारों को, साहब हम फलाने जगह घूमने जा रहे हैं, मत बताओ, इससे आपकी सोशल सिक्योरिटी भी होगी। घर में मान लीजिए आप कहीं बाहर जा रहे हैं 2 दिन के लिए, आपने 1 महीने पहले डिंडोरा पीट दिया, तो किसी गलत ताकत की नज़र पड़ गई, वो घर साफ भी कर सकता है, समझ रहे हैं बात को इसके। अभी क्या होगा, मान लीजिए मैंने बहुत महंगी गाड़ी खरीदी, मेरी फाइलों में तो पैसा था 10 लाख रुपये, मैंने BMW खरीद ली 1 करोड़ रुपये की, इनकम टैक्स वाले पीछे पड़ जाएंगे। इन सब चीज़ों में कॉमन फैक्टर क्या आया भाई, इन्फॉर्मेशन। उनको इन्फॉर्मेशन मिली और उन्होंने पकड़ लिया। आज छापे पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, इन्फॉर्मेशन। ये पॉलिटिकल नेता वेता जो फेल होते हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन की वजह से, क्यों? क्योंकि ये ईमानदार और साफ व्यक्ति को तो अपने साथ रखते नहीं हैं, ये किसको रखते हैं, धोखेबाज करप्ट लोगों को। तो इन्फॉर्मेशन लीक होना चाहिए, इसी बात है, ये सब चीज़ें एक आम चलन में हो गई। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी सूचना को बचा के रखिए। जो भाई व्यापार करता है, मेरे भाई
जिंदगी में आपका छोटा भाई कह रहा है आपको व्यापार की जितनी भी इंफॉर्मेशन है सीक्रेट रखना, पुराने बुजुर्गों को देख लो आप कभी नहीं बताते किसी को, ये बढ़ाई चढ़ाई में मैंने 100 रुपये लगा के 1000 रुपये कमाए, क्या तरीका था, फेसबुक पे वीडियो बना के डाल देते हैं, यूट्यूब पे डाल देते हैं, वो टाइम पास है, उनसे किसी को कभी भला नहीं हुआ, मेरे को तो नज़र आया नहीं, वो सब बकवास है, कोई लीगल और राइट इन्फॉर्मेशन कोई नहीं दे रहा है। मैंने 1000 वीडियो देखे हैं, सब अपने वीडियो को पॉपुलर बनाने में लगे हुए हैं, लेना देना कुछ नहीं है। आदमी सोचता है, सपने देखा होता है कि यार क्या पता इससे मुझे कुछ सीखने को मिल जाए, इससे कुछ मिल जाए, बस वो वीडियो को देखता रहता है, टाइम पास करता रहता है। इसलिए आपकी जीत, जिनका बुरे समय चल रहा है, जिनका टाइम खराब है, उनके लिए रामबाण दबाया भाई, रामबाण दबाया, इन्फॉर्मेशन कम से कम लीक होने देना, चाहे आपकी अच्छी है चाहे खराब है, आपकी जीत ही इसी में है। यदि आप लड़ सकते हो किसी से और इतने कैपेबल हो, आप में है, स्ट्रॉन्ग हो, देखी जाएगी, तो फिर आपकी मर्जी है। बाकी मुझे ऐसा बहुत कम लोग, 2% लोग वैसे नहीं होते हैं दुनिया के अंदर कि जो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि लड़ सकते हैं, बाकी 98% एवरेज होते हैं, आम आदमी होते हैं जो दुखी रहते हैं इस वजह से कि हमारी इन्फॉर्मेशन लीक हो गई। बस, तो अपनी इन्फॉर्मेशन को बचा के रखो और खुश रहो। नमस्कार।